अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इजाज अहमद वोरा है। मैं फिजिशियन हूँ और मेरा तदरीस से भी ताल्लुक़ है। पहले प्रिंसिपल रह चुका हूँ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का। आजकल मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल हूँ, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। उससे पहले डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी था। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको इस ख़तरनाक बीमारी में हिफाजत से रखे, लेकिन हिफाजत में रहने में कुछ हमें भी अपना कुछ तदवीरों पर अमल करना पड़ेगा। अब ये सार्स कोविड 19 जिसे कहते हैं या कोरोना भी कहते हैं, इसके साथ अभी हमें रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम ये जब तक वैक्सीन नहीं आती इसके ख़िलाफ़ हिफाजत का मुअस्सर और कोई तरीका नहीं है। अब तक के जितने तरीके आजमाए गए हैं उसमें सबसे मुअस्सर तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके किसी ने तर्जमा किया है दूरियाँ। कम से कम 6 फुट का फासला होना चाहिए। तो अब आपको ज़ाहिर है बिल्कुल घरों पे तो नहीं बैठा जा सकता। अब आप अगर आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने, चेहरे पे कभी हाथ ना लगाएं जब तक आपने सैनिटाइज़र या 20 सेकंड तक साबुन से हाथ नहीं धोया। ये दो मुअस्सर तदाबीर हैं। अगर आपका दफ्तर है या आपकी दुकान है तो 6 फुट का फासला होना चाहिए दो आदमियों के दरमियान। मस्जिद है तो 6 फुट के दायरे के साथ नमाज पढ़ें। दफ्तरों में भी 6 फुट का दायरा रखें और कोशिश करें कि जो गैर ज़रूरी स्टाफ है उसकी आमदोरफ्त कम हो। और अगर आजकल टेक्नोलॉजी से अगर घर से काम हो सकता है तो उसको भी इनक्रेज किया जाए। अलामात के बारे में तो आपको पता है, लेकिन जैसे जैसे मर्ज़ बढ़ता गया है ये देखा गया है कि चंद गैर मामूली अलामात भी हैं, जैसे खुशबू या बदबू सूंघना, वो आपकी इस्तेदात ख़त्म हो जाती है, आपकी चखने की इस्तेदात ख़त्म हो जाती है। फिर सर का शदीद दर्द, फिर शदीद गफलत और कमज़ोरी, और नींद का एहसास ज़्यादा होना, ये भी अलामत हैं। ये स्पेशली उन लोगों के जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। और ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को स्ट्रोक हुआ है तो कोरोना से। तो इस वजह से हमें अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। अगर ज़रा भी शक हो तो हमें वो जो स्वाब वाला टेस्ट है वो करा लेना चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट तो तभी ज़रूरत है जिसको कोरोना पॉजिटिव आ जाए। उसके बाद हम अगर ये मालूम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कितने लोगों को ये बीमारी हुई है, क्योंकि 80% में अलामात भी ज़ाहिर नहीं होती या माइल्ड होता है, तो उन स्टडीज़ के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग ज़रूरत है। कोरोना 11 दिन के बाद कोरोना इन्फेक्टिव नहीं रहता, तो इस वजह से जब 2 नेगेटिव आ जाएँ तो आप आइसोलेशन से निकल सकते हैं। और अगर मुसलसल पॉजिटिव रहता है तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वो डेड टिश्यू से भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब आपको तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियां मैंने बता दी हैं। अब इज्तमात से भी आपको इतराज़ करना पड़ेगा। अब शादी ब्याह सालगिरह की तकरीबात ये 8 से 10 अफराद से ज़्यादा नहीं हो सकेंगी। और अगर केसेस की तादाद कम हो गई तो शायद महदूद इज्तमात की इजाज़त मिल जाए, जिसमें 50 या 100 अफराद 6 फुट के फासले पर रह सके, जैसे आजकल मस्जिदों में कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझ लेना चाहिए। देखिए, हमारा मुल्क में आबादी 22 करोड़ है, इस मर्ज़ में 10% सीरियस हो सकते हैं। तो 22 करोड़ का 10% अंदाज़ा लगा लें वो सीरियस हो सकते हैं, और 5% को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अंदाज़ा लगाया गया है अगर आप एहतियाती तदाबीर अख्तियार ना करें और हर्ड इम्यूनिटी से मुराद है कि हर शख्स को ये कोरोना होने दें, तो 60% आबादी यानी 15 करोड़ की आबादी को आप कोरोना की बीमारी में मुबतला करना चाहते हैं हर्ड इम्यूनिटी के लिए, ये नामुमकिन है। ना आपके पास अस्पताल हैं, ना बेड्स हैं। और दूसरा, अगर आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं
तो कम से कम 1% डेथ रेट भी गिना जाए, यानी 1%, तो क्या हम मुतमल हो सकते हैं? तो हमारे लिए सही तरीका यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन, 6 फुट से फासला रखना 2 अफराद के दरमियान, बाहर निकलना तो मास्क ज़रूरी, और हर वक्त हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, चेहरे पे हाथ नहीं लगाना जब तक आप साबुन से हाथ ना धोएं, वो भी 20 सेकंड लाजम है, ज़्यादा हो तो बेहतर है। और यह सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र में अल्कोहल 70% वाले सैनिटाइज़र हो। अच्छा, अब रहा इलाज, तो अब इलाज में ज़ाहिर है अभी तक सारे तजर्बाती इलाज हैं। जिन लोगों की ऑक्सीजन कम हो जाती है, यानी 92% से कम हो जाती है, उनको शायद ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लोगों को अस्पताल में ज़रूरत पड़ी है। एक ख़तरनाक अलामत हैं जिसको कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, इसमें मुख्तलिफ आपके टेस्ट बढ़ जाते हैं, डी डाइमर, LDH, ट्रोपोनिन, CRP, इन लोगों के लिए एक मौसर दवाई आ गई है, टीकलीजुमैब कहते हैं, जो इंटरल्यूकिन 6 के की ख़राब चीज़ों का एक मौसर दवाई है। इससे काफ़ी लोग वेंटिलेटर से जाने से बच जाते हैं। फिर प्लाज्मा थेरेपी उन लोगों के लिए जो बहुत ही सीरियस है, उसमें भी कुछ बेहतरी के फायदे नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है अभी तक ये सारी, और कुछ एंटीवायरल आए हैं, 3-4 किस्म के एंटीवायरल आए हैं, वो बीमारियों की शिद्दत कम कर देती हैं, लेकिन अभी कोई मौसर इलाज नहीं आया। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, जिसमें दूरियां, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाथ धोना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और चेहरे पे कभी हाथ नहीं लगाना जब तक अपने सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ न धोएं। शुक्रिया। और मैं सर समी फार्मास्यूटिकल का मशहूर हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया है कि आपकी खिदमत में ये कुछ मालूमात फराहम कर सकूँ, ताकि आप लोग इस मोहलिक बीमारी से बचे रहें।